पीएम मोदी ने सोशल मीडिया छोड़ने का किया ऐलान, इसके पीछे है ये बड़ी वजह। आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर देर रात एक ऐलान किया, ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिससे हड़कंप मच गया। ये क्या ट्वीट है आइए जानते हैं। यहाँ पर मोदी ने ये ट्वीट किया कि मैं आने वाले रविवार को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से सभी सोशल साइट से हटने का विचार कर रहा हूँ और आप सभी को पोस्ट करता रहूँगा। मोदी ने कहा कि मैं रविवार को इस सभी सोशल साइट से हट जाऊँगा। जैसे ही रात को 9 बजे ये ट्वीट किया गया, इसके बाद में सभी लोग ट्विटर पर बाढ़ सी आ गई। कई लोगों ने उनसे अनुरोध करते हुए देखा गया कि वो ऐसा ना करें, कई लोगों ने ऐसा कहा कि आप ऐसा ना करें। जाहिर है कि सोशल साइट पर पीएम मोदी की ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, इंडिया के सबसे ज़्यादा फॉलोइंग करने वाले वो नेता है। तो आइए जानते हैं पहले उनके कितने फॉलोअर्स हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि मोदी का क्या बड़ी इसके पीछे वजह है, वो क्या करना चाहते हैं, ये भी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो में नहीं आ रहा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही पीएम मोदी से लोग ये पूछते रहे कि आखिर वह सोशल मीडिया छोड़ना क्यों चाहते हैं, वही इसी तरह तरह के कई मीम भी निकल कर आए। तो आपको मीम भी देखें, इससे पहले आपको बता दें कि मोदी के कितने फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 3,52,00,000 फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा ट्विटर की बात करें तो 5,33,00,000 ट्विटर पर उन्हें लोग फॉलो करते हैं। पीएम मोदी की बात करें तो फेसबुक पर उन्हें 4,45,00,000 लोग पेज को लाइक करते हैं। यूट्यूब की बात करें तो 45,00,000 के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं। तो इसके बाद में कई लोगों की यहाँ पर बाढ़ सी आ गई, ट्विटर पर देखें, फेसबुक पर देखें, सब लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया ना छोड़े। लेकिन आपको बता दें कि इसके बड़े पीछे बड़ी साजिश है, एक पीछे बड़ी वजह है कि एक तो दिल्ली में दंगे हुए, इससे मोदी काफ़ी आघात हुए क्योंकि काफ़ी अफवाह फैलाई जा रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है, ऐसा माना जा रहा है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत में इस समय विदेशी को छोड़कर स्वदेशी एक नया प्लेटफॉर्म आने वाला है सोशल मीडिया का। अगर ऐसा हुआ तो सभी के लिए फायदेमंद होगा और बहुत से जो सोशल मीडिया बाहर के हैं उन्हें काफ़ी आघात लगेगा। क्या भारत में आने वाला है अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? पीएम मोदी ने जैसे ये रिट्वीट किया है उसके बाद में ऐसा माना जा रहा है कि भारत में पीएम मोदी स्वदेशी और डिजिटल की दोनों बात हमेशा करते हैं। ऐसे में हो सकता है कि भारत का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है। इसे देखते हुए पीएम मोदी ने इसका फैसला किया है छोड़ने का, क्योंकि जब तक मोदी छोड़ेंगे तो बहुत से लोगों की ट्विटर पर यह माना जा रहा है कि जैसे मोदी सोशल मीडिया छोड़ देंगे हम लोग भी सोशल मीडिया छोड़ देंगे। यूजर यही मान रहे हैं। पीएम ने मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान करने के बाद में एक टिकटॉक पर अपना अकाउंट बना लीजिए। कई तरह के यहाँ पर कई लोग नाखुश हैं तो कई लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था कि आप सोशल मीडिया ना छोड़े, नफरत छोड़िए। इसके अलावा नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया को अलविदा कहना चाहते हैं, ऐसा ऐलान हुआ है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है और ये वजह भी सामने नहीं आ पा रही है कि सोशल मीडिया आखिर नरेंद्र मोदी क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है इसके बड़ी वजह है और वजह आपको मैंने बता दी है और जल्द इसका ऐलान हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।